हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद झाला सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजन हॉल एंड मैंने अमेजन से लिया ढेर सारी ज्वेलरीज इस बार मैंने भर भर के ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली है क्योंकि अभी वेडिंग सीजन आने वाली है तो बहुत सारे वेडिंग आउटफिट्स मुझे ट्राई करने होंगे इसलिए मेरे पास बहुत सारे सेट बहुत टाइप के मांगटिका ये सब ये सारे नहीं थे तो वो सारे मैंने री स्टॉक किए हैं एंड कुछ मेरी पहले से भी आप देख रहे हो वीडियो में एंड बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे थे मैंने सोचा चलो इसी हॉल में इसे इंक्लूड कर देते हैं सो so दैट आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ज्वेलरी हॉल करना ज्वेलरीज मेरी फेवरेट है मैं कुछ भी लू और ज्वेलरी ना लू ऐसा हो ही नहीं सकता ज्वेलरीज मेरे हॉल में होती ही होती है सो गाइज़ अमेजन पे क्या होता है ना अमेजन पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे बहुत तरह की ज्वेलरीज मिल जाएगी अमेजन पे चल रही है रिपब्लिक डे सेल तो इस सेल का जमकर फ़ायदा उठाओ जो भी प्रोडक्ट लेनी है ना आपको जमकर शॉपिंग करो अभी जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए ना बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे सो so, इस वीडियो में मैं आपको आई डोंट नो कितने ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे ज्वेलरी है मैंने काउंट भी नहीं किया इतने ज़्यादा ज्वेलरीज है सो चाय कॉफ़ी जो भी पसंद करते हो ना वैसे ठंडी में कॉफ़ी बहुत सही लगती है तो आप कॉफ़ी लेकर अपनी कॉफ़ी लेकर बैठ जाओ चाय पसंद है चाय लेकर बैठ जाओ कोई मतलब नहीं है कोई बात नहीं यार कुछ भी लेकर बैठ जाओ एंड मेरी वीडियो को एंजॉय करो और प्लीज गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो एंड मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सब्सक्राइब बटन बिल्कुल पास में है रेड कलर की जो बटन है ना वही सब्सक्राइब बटन है उसे आपको टैप करना है एंड सब्सक्राइब हो गई और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है आपको उसे भेंट करना है उसे क्या होगी मेरी जब भी वीडियोज आएगी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी ओके एंड किसी भी तरह की क्वेरीज हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो मेरी इंस्टा हैंडल है ग्लैमिथ उजाला वहाँ में सुपर डुपर एक्टिव रहती हूँ तो कुछ भी क्वेश्चन हो हो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते ओके okay? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जो भी प्रोडक्ट मैंने लिया है ना ये लिंक आपको नीचे में मिल की पे आपको जाना है भी कर सकते हो, okay? so, जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट से लिया जो आपने पहना है, कहां से लिया, तो मैंने कहा भाई मैं दिखा देती हूँ चलो आज हॉल शेयर कर देती हूँ सो ये है साइनिंग डीवा की ओर से पेंडेंट सेट अभी इयर दिख रही हो क्योंकि पेंडेंट मैंने पहना है तो वो नीचे चली गई है इस पेंडेंट की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल गए मुझे एक तो मुझे ये ईयर का सेट मिल गया ये आप देख सकते हो ब्लू कलर की इयर रिंग छोटे से एडी विद एडी नग इस तरह से मिल गया है मुझे बहुत ज्यादा सुंदर है ये एंड इसके साथ मुझे बहुत सुंदर सी ब्रेसलेट भी मिली है वो भी बहुत अच्छे से ब्लू कलर की ना स्टोन की फिनिशिंग में है एंड वाइट एडी के साथ बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और इसके साथ जो पेंडेंट थी ना वो मैंने बहुत सारे वीडियो में पहन लिया था और लिंक नहीं दे रही थी तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम मॉडेटिव तो so, चलो इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी सो so, ये आप देख सकते कुछ इस तरह के पेंडेंट सेट है इस तरह के लॉन्ग चेन के साथ आती है और मैं आपको बोलूँगी ये उतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है अगर आप पहनते हो ना ज्यादा टाइम के लिए तो इसकी कलर निकल सकती है क्योंकि मैंने, मैंने बस पहनकर एक दो वीडियो शूट किया था और इसकी कलर आप देख सकते हो थोड़ी सी डल हो गई है सो so, थोड़े बहुत यूज के लिए आप इसे ले सकते हो लुक वाइज तो बहुत ज्यादा सुंदर है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं अपनी कुछ क्लिप्स डाल दूंगी या स्क्रीन पे आप चेक कर लेना जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक नेकलेस एंड ईयर का सेट है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी वेडिंग सीजन आने वाली तो मुझे बहुत सारे आउटफिट ट्राई करने होंगे उसके साथ मुझे बहुत सारी नेकलेस भी ट्राई करनी होगी तो उसके लिए मैंने लिया है आ, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आई है पैक एंड ये आप देख सकते हो इस तरह की नेकलेस है सी इस तरह की नेकलेस है बहुत ही सुंदर नेकलेस है गई इसे आप साड़ी या लहंगे के साथ पहनते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड इसके साथ मुझे बहुत सुंदर सी झुमका रिसीव हुई है ईयर में झुमका हो ना तो बहुत मज़ा आता है सी इस तरह का नेक झुमका है सीख इस तरह का झुमका है गोल्डन फिनिशिंग में है साथ में पॉल के वर्क है जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं सी कितनी सुंदर लग रही है इसे साड़ी या लहंगे के साथ पहनो बहुत अच्छी जाएगी सो so, ये सेकंड ज्वेलरी हो गई जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी थर्ड जो ज्वेलरी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये अगेन एक नेकलेस सेट है एंड अगर आपके घर में शादी है ना या फिर आपकी ही शादी है तो आप इन सारी ज्वेलरीज को कंसिडर कर सकते हो अलग 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 वेडिंग फंक्शन को लेकर और बहुत सुंदर लगेगी आपको ट्रस्ट मी क्वालिटीज इतने अच्छे हैं डे सेल है इस वजह से आपको प्राइसेस भी काफी अच्छे मिल जाएंगे सो तो मैं आपको दिखा दूं ये का एंड नेकलेस का सेट है तो मैं आपको पहले इयर ही दिखाती हूँ इसकी ये आप देखो ये इस तरह की इयर है बहुत सुंदर इयर है ग्रीन कलर में इसमें ना आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे अगर आपको और भी कोई कलर्स लेनी हो ना तो आप ले सकते हो बट ग्रीन कलर वाली बहुत प्यारी लग रही है एंड ग्रीन कलर की लहंगा वगैरह अगर आप ट्राई करते हो ज़्यादातर अभी ग्रीन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो ग्रीन कलर की चीज़ें ना लोग ज़्यादा तो ग्रीन कलर के जो लहंगे वगैरह होते हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं अगर आपको लेना हो तो ये वाली ट्राई कर सकते हो आप बोलते कुछ इस तरह की नेकलेस है बट ये प्रॉपर नेकलेस नहीं है मैं आपको दिखा दूँ ये उनके वर्क में है बट इसकी जो फ्रंट की लॉकेट तो स्टाइल में थी यानी टूटी हुई आई है आई डोंट नो कैसे बट ये फिक्स हो सकती है यहाँ पे ना इसके नोट्स है उससे ये फिक्स हो जाएगी अदरवाइज ये बहुत ज्यादा अच्छी है मैं आपको साइड में दिखा दूंगी इसकी रियल लुक बहुत सुंदर लग रही है मुझे इस तरह की माथा पट्टी भी बहुत पसंद है ये देखो आप कितनी सुंदर लग रही है ना इस तरह से आप इसे माथा पट्टी भी बना सकते हो लेकिन नहीं बनी क्योंकि ये बैक साइड में है ना बट आप जुगाड़ कर सकते हो जुगाड़ करने में मैं माहिर ही ज्वेलरीज को ऐसे वैसे घुमाना मुझे बहुत पसंद है तो ये एक ज्वेलरी सेट हो गई बहुत सुंदर ज्वेलरी सेट है अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये छुटकू ज्वेलरीज है या आप देख सकते हो इस तरह से सो तो फर्स्ट मैं आपको ईयर दिखाती हूँ ये है ज्वेल्स गैलेक्सी की ईयर और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह के मोर स्टाइल में है इसी इस तरह का झुमका है इस इसपे मोर की फिनिशिंग दी हुई है यहाँ आपको पर्ल मिल जाते हैं बहुत सुंदर लग रही है इस तरह की झुमकी जो होते हैं ना बहुत सुंदर लगते किसी साड़ी या लहंगे के साथ कुर्तीज के साथ भी चले जाएंगे डोंट वरी कुर्तीज अगर आप पहन रहे हो ना उसके साथ भी इसे पहन सकते हो बहुत सुंदर है इसकी प्राइस थ्री समथिंग थी अभी तो रिपब्लिक डे सेल में और भी सस्ती मिल जाएगी आपको तो ये आप जरूर ट्राई करना इसके लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट मैंने लिया है ये है एक बैंगल बैंगल कम कड़ा और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज में आती है ये आप देख सकते हो इस तरह की है एंड ये भी काफी क्यूट लग रही थी इसलिए मैंने इसे लिया है इस तरह की फ्रंट ओपनिंग है इसमें इसे आप इस तरह से ओपन करके भी पहन सकते हो या ऐसे भी पहन सकते हो ये बहुत ज्यादा सुंदर है आपकी हैंड की जो भी साइज हो ना आप उसमें ले सकते हो बट अगर आप छोटी साइज भी लेते हो ना तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ से ये ओपन हो जाती है सी इस तरह से ओपन हो जाती है तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं ये इतनी लाइट वेट है कि मैं क्या बताऊँ इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है कुछ पता नहीं चलता कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है एकदम वेटलेस है ये इसे आप ले सकते हो सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज ही है क्योंकि ऑक्सीडाइज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये गोल्डन एंड कुंदन वर्क वाले ही चलते हैं ऑक्सीडाइज वाले भी काफ़ी प्यारे लगते हैं सो so, मैं आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दिखा देती हूँ ये इस तरह की नेकलेस है एंड ये बहुत सुंदर कलरफुल नेकलेस है सी कुछ इस तरह की एंड ये नेक में बहुत प्यारे लगते हैं इसमें ना मुझे और भी कलर्स मिल रहे थे आप चेक करना आपको बहुत सारे कलर्स इसमें मिलेंगे तो आपको जो कलर अच्छी लगे ना आप वो ले सकते हो मैं ये नहीं बोली आप पिंक ही लो बहुत सुंदर लगेंगे गाइस सीरियसली मुझे इतनी प्यारी लग रही मैं क्या बताऊँ एंड इसमें वेट बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही लाइट वेट है ये सी बहुत ही लाइट वेट है कुछ भी वेट नहीं है इसमें एंड इसकी इयर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ईयरिंग

बहुत पसंद आते हैं सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है ना ये भी एक मांगटिका है एनी आई ज्वेल्स की ओर से है ये आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह की ये बहुत ही सुंदर है एंड इस तरह के राउंड शेप की मांगटिका ना मुझे बहुत पसंद आती है एंड ये पॉल के साथ है सी कुछ इस तरह की है ये मांगटीका जो है ना इसके साथ मैं जो नेकलेस मैंने दिखाया ना उसे पेयर करके दिखाऊंगी एक एक लहंगे के साथ आप देखना इतनी सुंदर आउटफिट मेरे माइंड में ना मैं क्या बताऊँ वो मैं पहन कर दिखाऊँगी फिर आपको समझ में आएगा सो नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये एक हैंडमेड ज्वेलरी है एंड हैंडमेड ज्वेलरी भी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में इसलिए मैंने हैंडमेड ज्वेलरी भी ट्राई किया है सो so ये आप देख सकते हो इस तरह की ईयरिंग है ये भी काफ़ी क्यूट है ऑफ वाइट कलर में सी इस पर ना आप देख सकते हो पॉल एंड सीक्वेंस के फिनिशिंग है और लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा सुंदर है ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही थी एंड इस तरह की ज्वेलरीज मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसे ले लिया सो so, ये एक ईयर रिंग होगी नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये भी एक हैंडमेड ज्वेलरी है बट ये नेकलेस सेट है सो so, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की नेकलेस है इसमें भी आपको पॉल की फिनिशिंग मिल जाती है सी इस तरह से एंड इसे ना आप बैक साइड में टाई कर सकते हो एंड लुक वाइज ये बहुत ज़्यादा सुंदर है इसलिए मैंने इसे लिया है साथ मुझे मिली है इस तरह की इयर बहुत ही सुंदर क्यूट सी इयर है आप देख सकते हो सी कितनी प्यारी लग रही है ना मुझे इसकी इयर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है सो so, इसे मैं पहनने वाली हूँ आगे वीडियो में तो आप देखते रहना इंजॉय तो आप देखते रहना अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ले लेना ले मैं लिंक नीचे डाल दूंगी वे नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये अगेन एक ईयर है क्योंकि ईयर मेरी फेवरेट है मुझे इयर चाहिए सो so, ये आप देख सकते हो जिस तरह की इयर है एंड पीच कलर की इसके इस पर पॉल लगे हुए हैं एंड इस तरह की इयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे पास इस तरह की इयर थी भी बट वो टूट गई एक गई और दूसरी खो गई तो मैंने सोचा चलो अब इसे तो दोबारा लेना ही हो क्योंकि ये इतनी सुंदर थी कि मेरे से नहीं रहा जाता मेरे से नहीं रहा जाता कि इसके बिना मैं रह लूँ तो ये आप देखो कुछ इस तरह की बहुत प्यारी लग रही है एंड पीच कलर की कोई भी आउटफिट हो ना तो पीच कलर की ज्वेलरी मिलना बहुत मुश्किल है तो अगर मिल रही है ना तो जल्दी से ले लो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना तो ये एक ज्वेलरी तो ये एक ईयर हो गई सारी हरियोना ये भी एक नेकलेस है इसकी भी बहुत ज़्यादा इनक्वाडिया आती थी दी आपने कहाँ से लिया तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ कभी कभी क्या होता है ना कुछ चीज़ें मैं लेकर बस ट्राई कर लेती हूँ और दिखा नहीं पाती तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने कहाँ से लिया है तो ये है अमेजन की नेकलेस ये आप देख सकते हो पिंक कलर की है कितनी सुंदर लग रही है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है ये मैंने बहुत सारे लोगों को दिखा था पहने मैंने बहुत सर्च किया तब जाकर मुझे अमेजन पे मिली एंड इसे मैंने लेने में दो मिनट भी नहीं सोचा जो चीज़ पसंद हो ना उसके बारे में सोचना मत बस ले लो ठीक है लिस्ट भी मत करना क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो ये आप कुछ इस तरह की फिनिशिंग है इसकी कितनी सुंदर लग रही है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड इसके साथ मुझे कोई मानती का नहीं मिली इयर मिली है सो ये आप देख सकते हो इस तरह की इयर है ये भी काफ़ी क्यूट लग रही है एंड आप जस्ट एक इयर भी पहनोगे ना तो आपका काम हो जाने वाला है सो ये हो गई एक आ, ज्वेलरी सेट और अब जो आपको दिखा रही हूँ ये भी एक ज्वेलरी सेट है बट ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है सो so, ये आप देख सकते हो सॉरी ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की नेकलेस है सी इस तरह की नेकलेस है एंड ये बहुत सुंदर लगती है इसे आप ना किसी स्वेटर्स के ऊपर भी पहन सकते है। जैसे मैंने ये पहना ना इसके साथ भी मैं पहन सकती थी बहुत सुंदर लगेगी और इसे आप ज़रूर ट्राई करना गई इतनी सुंदर है मैंने क्या आप बताओ इसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था पहने इंस्टाग्राम पर और मुझे तब से था कि ये चाहिए कैसे भी चाहिए तो ये मुझे फ़ाइनली अमेज़न पर मिल गई आप देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही है ना और इसके साथ मुझे मिली है इयर ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इयर मिली है और ये भी काफ़ी ह्यूज है इसे आप सेपरेटली भी पहन सकते हो विदाउट नेकलेस बहुत सुंदर लगेगी सो so, ये एक इयर रिंग और नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी एक इयरिंग है एंड ये भी बहुत सुंदर इयर है ये मैंने कुछ वीडियोस में पहना भी था और बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी इसलिए मैं इस हॉल में दिखा रही हूँ आपको So, सो ये।, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इयर है काफ़ी बड़ी इयर है स्टेटमेंट इयर है ये एंड ये आप देख सकते हो बहुत सुंदर कुंदन एंड पॉल के वर्क में है और ये आप पहनोगे ना तो ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगने वाली है आपके ऊपर सो so, ये एक इयरिंग हो गई मैं आपको दिखा रही नेक्स्ट जो दिखा रही हूँ ना ये भी इयर रिंग है एंड ये भी बहुत सुंदर इयर है गाइज सो so, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इयर है ये ना थोड़े से पासा के डिजाइन में इसे आप एज ए पासा भी पहन सकते हो बट ये आएगी नहीं पासा की तरह बट ये आप देखो कितनी सुंदर लग रही है ना तो मैंने ना तो मुझे ना इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि पर्सनली मुझे पासा बहुत पसंद है तो उस शेप में मुझे इयर मिल रही थी तो मैंने ले लिया और इसमें भी आप देख सकते हो पॉल एंड कुंदन की फिनिशिंग है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं सो so, ये इयर हो गई थी लास्ट प्रोडक्ट इस हॉल की कैसी लगी आपको आज की हॉल कमेंट करके ज़रूर बताना एंड और क्या देखना चाहते हो अमेज़न से ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो सो so, मिलती हूँ मैं इसी तरह की हॉल वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग